रानाघाट स्टेशन पर गाना गाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद अब सेलिब्रिटी बन चुकी रानू मंडल दिनों दिन और भी फेमस होती जा रही हैं। रानू के बारे में कई खबरें सामने आ रही हैं जिन पर लोग यकीन कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं रानू मंडल से जुड़े कुछ सच। जी हाँ, रानू मंडल के बारे में सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई थी कि सलमान खान ने उन्हें रहने के लिए घर तोहफे में दिया है और इस घर की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि ये घर रानू मंडल को सलमान खान ने गिफ्ट किया था। साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि सलमान खान ने अपने आने वाली फिल्म दबंग में उन्हें गाना गाने का मौका दिया है। साथ ही रानू का ख्याल रखने वाली संस्था ने ये बताया कि जब से उनकी संस्था के लोगों ने रानू मंडल का वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये वीडियो जब से वायरल हुआ है और रानू मंडल फेमस हो गई है, हम तब से ही रानू का ध्यान रख रहे हैं और सलमान खान के द्वारा रानू को घर दिए जाने की खबरें साफ तौर पर झूठी हैं। रानू मंडल का दूसरा सच ये है कि जब हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में गाना गाने का मौका दिया, तब ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि इस गाने को गाने के लिए रानू मंडल ने 7 से 8 लाख रुपए फीस ली है। इस गाने की रिकॉर्डिंग करते हुए रानू मंडल का वीडियो हिमेश रेशमिया ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। हिमेश ने रानू मंडल की तरफ से कोई फीस लेने की बात का हिमेश या रानू मंडल ने कोई भी बात नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि रानू से जुड़ी ये बात भी झूठी है। रानू का तेरी मेरी कहानी गाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सलमान खान को रानू मंडल का गाना सुनते हुए देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि रानू मंडल का गाना सुनकर सलमान खान रो दिए हैं। ये वीडियो लगभग 22 मिनट का था और इस वीडियो में सलमान खान के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने रखे मोबाइल में एक वीडियो चल रहा है जिसमें सलमान खान की मूवी की क्लिप चलने के बाद रानू मंडल के गानों की आवाज़ सुनाई दे रही है और वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि सलमान खान रो रहे हैं। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि ये वीडियो पहले का है और इसे एडिट कर इसमें रानू मंडल की आवाज़ को जोड़ा गया है। तो रानू मंडल के नाम से फैली ये खबर भी महज अफवाह थी। रानू के बारे में एक और खबर फैलाई जा रही है कि उन्होंने मुंबई में लाखों रुपए का घर खरीद लिया है और हिमेश रेशमिया ने उन्हें गाना गाने के लिए लाखों रुपए दिए हैं। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को बहुत सपोर्ट किया है और अपने खर्च पर वो रानू को मुंबई लेकर आए हैं, लेकिन ये जो लाखों रुपये की बात की जा रही है वो भी झूठी है। ये खबर भी सामने आई थी कि रानू मंडल ने 15 लाख की कार खरीदी है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था कि रानू मंडल को बिग बॉस का ऑफर मिला है, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं से अफवाह के रूप में लोगों के बीच लाई जा रही हैं और इनमें कुछ भी सच नहीं है। हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को रातों रात स्टार तो बना दिया है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो लोग महज अपने मजे के लिए और फेम पाने के लिए रानू मंडल के नाम पर अफवाहें फैला रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।